शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। सोनिया, क्या किया तूने? मम्मी की साड़ी कहाँ है? तेरा दिमाग तो ठीक है? इतना क्यों उछल रही है तू? और साड़ी ना ठीक हो जाएगी, लेकिन इस घर में जो श्रद्धा की अकड़ निकलेगी ना, वो देखना है मुझे। कैसी बात कर रही है तू? तुझे पता? सोनिया, कैसी लड़की हो तुम? आखिर ये तुम कैसे कर सकती हो? मुझे चुपचाप बता दो, मम्मी जी की साड़ी कहाँ है? मुझे क्या पता श्रद्धा, तुमने जहाँ छोड़ी थी वही होगी। बस तुम एक झूठ आज सुबह पहले ही बोल चुकी हो, जिसके लिए मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया था, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे बताओ साड़ी कहाँ है? हाँ, मैंने बोला तो था। मेरा मतलब है कि मैंने आज भी कोई झूठ नहीं बोला था। तुम आज मेरे कमरे में आई थी और तुमने मुझे वहाँ से किचन भेज दिया था ताकि मैं साड़ी ठीक ना कर पाऊँ। जब वापस आई तो साड़ी वहाँ पर नहीं थी। अब तुम मुझे बताओ वो साड़ी गई कहाँ? श्रद्धा, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने साड़ी नहीं ली। तुम जाओ और जाके ढूंढो उसे। क्यों देख रही है मुझे? मैंने सच में साड़ी नहीं ली। अच्छा, तूने नहीं ली तो फिर साड़ी गई कहाँ? लेकिन एक बात तो है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तू अपनी मम्मी की झूठी कसम तो नहीं खाएगी। मम्मी जी, वो आपकी साड़ी। क्या तुमने अभी तक साड़ी तैयार नहीं की? मम्मी जी, वो दरअसल आपकी। मम्मी, आपकी साड़ी तो श्रद्धा ने सबसे पहले तैयार कर दी थी। ये देखिए, हुआ है भाभी धोखा। क्या? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले जिससे ना आप एकदम चौंक जाएगी। क्या? ये साड़ी श्रद्धा ने नहीं, अभय ने तैयार करवाई है। अभय ने? भाभी, हमारी इस कारे कचरारे नैनों से ना कोई बात नहीं चिपती। हम तो जा रहे थे कीर्ति का नया तमाशा देखने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें अभय दिख गया और वहां पर ना मास्टर जी, ये अभी के अभी ठीक कर दीजिए, मम्मी को पूजा में पहननी है। पर भैया जी, अब अगर हम इसमें बैठ जाए तो आपका वाला काम रुक जाएगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, आप ये कर दीजिए प्लीज। ठीक है, करता। क्या कह रही हैं आप ऋतु? हाँ भाभी, हम सच कह रहे हैं। आपका लाडला बेटा ना श्रद्धा की श्रद्धा में मगन हो चुका है। अपनी माँ से झूठ बोलने लगा अपनी बीवी को बचाने के लिए। इसका मतलब आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी जी से झूठ कहा? अरे अबे नहीं, हमें जाके मम्मी जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हम ना अभी श्रद्धा से बात करते हैं, हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हाँ। अरे झूठी, क्या कर रही है आप? क्यों नहीं समझ रही? अभी श्रद्धा अभय के साथ है, देखिए कमरा भी बंद है।
अभी वो आपकी बात नहीं सुनेगी। आप एक काम कीजिए, आप अभी पूजा की तैयारियां कीजिए, तैयार हो जाइए, श्रद्धा से अलग से अकेले में निपट लीजिएगा, समझ रही हैं आप? ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए। तू कहाँ रह गई? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई है वो। वो इस वक्त कौन टपक गया? शुक्रिया बाद में करना, चोरी करने से पहले ना चोर को पकड़ लिया है मैंने। तुम्हारे घर पे मंडराते हुए रंगे हाथों पकड़ा इसे, अब जल्दी से पुलिस को फोन करो, कहीं छूट ना जाए ये हाथ से। हटो, ये हिम्मत तो देखो इस बदतमीज औरत की, जल्दी से बुलाओ पुलिस को। बदतमीजी ना कब से तुम हमारे साथ कर रही हो? और सुनो, हम ना इस कीर्ति के पति की बुआ है। रितु बुआ? क्या बढ़ियाई, हमें चोर साबित करने वाली, चलो माफी मांगो हमसे। अरे मांगो? सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि आप इनकी बुआ है। अब सॉरी, माफ कीजिए। बढ़ियाई, हमें चोर बोलने वाली? आजकल के पड़ोसी ना दिमाग से पगलैट हो गए। माफ करना कीर्ति, इन्हें देखकर ऐसा लगा नहीं कि ये तुम्हारी रिश्तेदार है। अब मेरा मतलब है, उन्हें देखो और तुम्हें देखो। अब हम समझ सकते हैं ज्योति, सबको ऐसे ही धोखा हो जाता है। अब तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा ना कि हमने अपने ससुराल को क्यों छोड़ा। अच्छा मैं ना चलती हूँ, आप जाओ। बाय। वजी राम की कीर्ति बेटा, देखो हम तुम्हारे लिए मंदिर से प्रसादी लेकर आए। कोई बात नहीं बेटा, हम ना इसे जाकर रसोई में खुद ही रख देते, तुम बैठकर आराम करो। हम अभी आते हैं। इससे तो पानी के ग्लास की उम्मीद भी नहीं कर सकते, खुद ही पीना पड़ेगा। भगवान, क्या हालत कर दी है इस लड़की ने रसोई की। ऐसा लग रहा है कि बजर दबा दिया और ना तूफान आ गया बड़ा सा। आय हाय हाय, देखो तो इस खूबसूरत नजारे का ना एक प्रसारण तो बनता है घर वालों के लिए। ये है हमारी खास बुआ जी। सारे लोग नमस्ते करो इन्हें। ये ना चलता फिरता स्कूल है। किसी को भी अपने घर में लड़ाई करवानी हो या दूसरों के घर में जाके काका झाकी करनी हो, इनसे सीखे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय। क्या बदतमीजी कर रही थी? और आप जो कर रही हैं उसे क्या कहेंगे बुआ जी? एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हमें ना दीदू मत समझिए कि हम आपके अंगूठे तले दबा दिए जाएंगे। ये हमारा घर है और यहाँ पे आपकी ये हरकतें ना हम टिकने नहीं देंगे। तो अभी हमारे घर से बाहर निकलिए।
अभी के अभी जाकर श्रद्धा के आगे इसका चट्टा खोलूंगी। बड़ी आई हम पर दोस्त जमाने वाली। बोलो लक्ष्मी माँ की जय। श्रद्धा सबको प्रसाद दे दो। ज़्यादा नहीं झूम रही आज तो आरती? मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। फोटो देखना, गुस्से की मारे नाक एकदम पकौड़ा बन गई है। तूने तो बड़ा प्लान किया था ना, पर देख क्या हुआ। मम्मी तो साड़ी पहन के कितनी अच्छी लग रही है, अब पूजा भी कितनी अच्छे से हो गई, और श्रद्धा भाभी उनको तो इतनी सारी डांट पड़ने वाली थी, इतनी से भी नहीं पड़ी। गुस्सा आ रहा है भाभी? इस साल आप हमारे साथ पूजा में बैठी तो बहुत अच्छा लगा, मानो सालों की अधूरी पूजा आज पूरी हो गई। सालों पहले पूरे विश्वास के साथ आपने ये पूजा शुरू की थी और आपको इस पूजा का फल भी मिला है, तो हमने सोचा कि हम भी करके देख लेते हैं। लक्ष्मी माँ हमें भी आशीर्वाद दे दे और हमारे घर की बहू हमारी लक्ष्मी वापस आ जाए। वो तो आप भूल ही जाइए भाभी। भाभी जब लक्ष्मी जी घर में आती है तो सुख और शांति लेकर आती है, लेकिन शांति और आपकी बहू का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब क्या हो गया रितु? भाभी हम उसके घर गए थे मंदिर का प्रसाद लेकर, और उसने हमें इतनी घड़ी खोटी सुनाई, इतनी हमारी बेइज्जती कर दी, और ऊपर से उसकी कोई पड़ोसन सहेली भी वहीं पर थी, उसने भी मौका नहीं छोड़ा हमारी बेइज्जती करने का, इतना कुछ हमें सुनाया। बुआ जी क्या ही कर सकते हैं, उसका घर है वही जाने। श्रद्धा पूजा होगी, मेरे काम में मेरी मदद कर दो। जितना साथ निभाना है निभा, ये सब मैं ज्यादा दिन तक नहीं चलने दूंगी, अब बस देखते जाओ मैं क्या करती हूं। आजकल के बच्चों की उम्र भी कितनी जल्दी ढलती जा रही है ना, कभी कमर दर्द तो कभी गर्दन दर्द, अभी पूरी रात का काम बाकी है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, 100 जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही, ऐसे हुए हैं तेरे दीवाने। अभी बैठ के काम करो, बिन
तो पीठ एकदम सीधी रखा करो, और अगर सोफे पे बैठ के काम करती हो तो टेक लगा लिया करो। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। गलत लग रहा है क्या? दर्द बढ़ गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कर रहा हूँ मैं। मेरे अभय से इश्क लड़ाओगी तुम श्रद्धा? भूल जाओ, क्योंकि मेरे रहते हुए तो ये कभी भी नहीं होगा। बिजली कैसे चली गई? आरती तुम बैठो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं बिजली वाले को फोन करता हूँ। वरुण जी उठिए ना, चलिए उठिए उठिए उठिए। स्वीटू प्लीज सोने दो ना। वरुण जी हमें आइसक्रीम खाने का मन है अभी, चलिए उठिए चलते। स्वीटू बहुत रात हो गई है, कल चलते हैं ना प्लीज। वरुण जी कोई रात नहीं हुई है, चलिए ना, इसी बहाने हम साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, थोड़ा घूम भी लेंगे। चल स्वीटू, कल मुझे ऑफिस में बहुत काम, और फिर शाम को तुम्हारे घर भी तो जाना है ना। देखो अगर आज रात नींद पूरी नहीं हुई ना तो कल का पूरा दिन नींद में कट जाएगा, प्लीज अभी सोने दो ना। वरुण जी हमारा अभी मन है आइसक्रीम खाने का, हमें अभी चलना है, हम आपके साथ प्यार के दो पल बिताना चाहते हैं, पर आपको ना बस अपनी नींद से प्यार है, हमें कुछ नहीं सुनना, चलिए अभी चलिए वरुण जी। स्वीटू देखो कल मैं तुम्हें पक्का आइसक्रीम खाने ले जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। वरुण जी हमारा बहुत मन। आप चाहे सो जाए पर हम तो आइसक्रीम खा के ही रहेंगे। श्रद्धा टॉर्च दे रहा, इलेक्ट्रिशियन आ गया अभी बेटा, इन्हें देखने दो, और भाई साहब आप जरा देख के बताइए क्या हुआ है और कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। देखता हूँ। मम्मी। श्रद्धा बेटा हम चाह रहे थे कि आप सबको कल खाने पे बुलाएं। वो क्या ना, दोनों परिवारों को आपस में मिलते रहना चाहिए। अरे अंकल जी ये लगता है कि आपस में जुड़ के शॉर्ट सर्किट हो गया, तीन चार दिन तो पकड़ के चलो। मम्मी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तीन चार दिन? अरे भैया अचानक से शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? अरे बेटा रहने दो, कोई देखेगा क्या सोचेगा, मैं अपने दामाद से काम करवा रही हूँ, जब आप आराम करो मैं कर लूंगी,
दामाद से काम करवा के पाप लगेगा हमें, छोड़ दो। लो, एक तरफ आप बेटा बोल रही हैं और अपनी दामाद बोल के खुद ही दूर कर रही हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो दामाद के रूप में तुम हमें मिले।